दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं इस पेशेंट के अंदर ये इंसुलिन एक ही जगह लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये यह उठा हुआ है, देखिए अगर आप देखेंगे आप यहाँ से दिखाऊंगा आपको, ये देखिए उठा हुआ है, ये उठा हुआ है और अगर आप यहाँ देखिए यहाँ भी उठा हुआ है, दोनों जांघों पे ये उठा हुआ है। तो आप सब जान लो अगर आप एक ही जगह इंसुलिन बार बार लगाएंगे तो आपको वहाँ दर्द कम होता है, क्योंकि वहाँ की नर्व्स मर जाती हैं, नर्व के साथ साथ यहाँ पकड़ लीजिए, नर्व के साथ साथ वहाँ की जो नसें ब्लड फ्लो वाली बस जहाँ से इंसुलिन एब्जॉर्ब होता है वो भी ब्लॉक हो जाती है। तो इंसुलिन एक ही जगह लगने से वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ हो जाता है, वहाँ कितना भी इंजेक्ट करोगे तो इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, और वही थोड़ा हटके लगा दोगे तो कभी इंसुलिन एब्जॉर्ब होगा तो शुगर नॉर्मल आएगी या लो आएगी, कभी एब्जॉर्ब नहीं तो शुगर 500 आएगी। तो ये एक ही जगह इंसुलिन इंजेक्शन लगाना पेटल डायबिटीज का बहुत ही कॉमन कारण है, फ्लक्चुएटिंग डायबिटीज बहुत कॉमन कारण है। तो इसलिए सीख लीजिए आपको एक जगह पर 7 दिन पहले इंसुलिन कभी नहीं लगाना है। अगर आप लगाना मान लो पेट में चारों तरफ नाभिक चारों तरफ दो गज छोड़ के कभी यहाँ पूरे ज्यादा पहुँच जाए, सिमिलर 5 दिन एक लाइन ले लो ऐसे ही यहाँ ऐसे, लेकिन लगाना क्या जहाँ पेट आपको फुल उठ सके, आप उठा फुल उठ ऐसे लगाना है जहाँ भी उठ जाए वहाँ लगाना आपको। तो ये बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं और इसलिए डायबिटीज कंट्रोल बहुत लोगों को नहीं होता है। आई होप यू नॉलेज मिला कि इंसुलिन एक जगह लगाना बहुत खतरनाक है और ये हाई इंसुलिन रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर प्रीटल डायबिटीज का एक कॉमन कारण है। और वीडियो अच्छा है इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।